हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक में जो है हम जो हमारा भारतीय इतिहास है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स के मुझे मैसेज आए थे, मैम आप जो हैं वीडियो बना नहीं रही हैं, डीजीटी आर्ट्स की तैयारी करवाइए। तो हम जो हैं वन बाय वन टॉपिक जो हैं पकड़ेंगे, और साथ में पहले जो है मैं उनको डिस्कस किया करूँगी, और बाद में जो इतने भी उस टॉपिक पे क्वेश्चन बनेंगे वो हम किया करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल पे कुछ ऐसा मटेरियल है जो आपको हेल्प कर सकता है टेट के लिए या कमीशन के लिए या एचपी के किसी भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले है चालुक्य वंश। अगर हम चालुक्य वंश की बात करें तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चालुक्य वंश के जो हैं संस्थापक कौन हैं। तो कई बार ऑप्शन जो हैं पुलकेशिन प्रथम दिया होता है, कई बार विष्णुवर्धन दिया होता है, कई बार तैलप सेकंड दिया होता है। तो चालुक्य वंश की जो हैं तीन शाखाएँ थी जो मेन थी, एक थी बातापी, बातापी बेंगी और कल्याणी। तो ऐसे बोलते हैं कि बातापी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य या कल्याणी के चालुक्य। कई बार क्वेश्चन आपको सिंपल भी पूछा जाता है, चालुक्य वंश के संस्थापक, बातापी मेंशन नहीं किया होगा, बेंगी मेंशन नहीं किया होगा, कल्याणी आपको मेंशन नहीं किया होगा। तो आप उसको देख के जो है, अगर आपको पुलकेशिन प्रथम का दे रखा है तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। तो चालुक्य वंश जो, तो बातापी के चालुक्य वंश है, उनके जो संस्थापक थे वो थे पुलकेशिन प्रथम। और अगर बेंगी की बात करें तो बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। थर्ड है कल्याणी के चालुक्य, उनके जो संस्थापक थे वो थे तैलप द्वितीय या ऐसे करके आपको लिखा हो सकता है। अगर हम पाल वंश के संस्थापक की बात करें, पाल वंश, इसके संस्थापक हैं गोपाल। अगर आपको ऐसे नहीं लर्न हो रहा है तो आपको पता है, जैसे हम बाल गोपाल बोल देते हैं श्री कृष्ण जी को, बाल गोपाल, तो आप पाल वंश से याद रखते हैं गोपाल, कि पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। गुप्त वंश के, तो उसका तो आपको पता ही है, एंड में गुप्त आ रहे, श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। वैसे तो ये बहुत इजी है लर्न करना, चंद्रगुप्त मौर्य, बट अगर आपको लर्न नहीं होता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है करवा चौथ मनाया जाता है, तो कई बार चांद देख के हम बोल देते हैं, हस्बैंड का जो है फेस देखा जाता है, तो कई बार बोल देते हैं मोरा चांद या मौर्य चांद। तो मौर्य से चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है हर्यक वंश के संस्थापक, ये हैं बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। अगर किसी को लर्न नहीं हो रहा, तो जब हम कई बार बोलते हैं कि जो लड़के होते हैं उनको अगर आर्मी ज्वाइन करनी है तो उनको बीम मारना चाहिए, बीम कि हर एक दिन जो है बीम मारना चाहिए, तो ऐसे करके लर्न कर लीजिए, ये सिंपल आप कर सकते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। नेक्स्ट है नंद वंश के संस्थापक, नंद वंश के संस्थापक है महापद्म नंद। नेक्स्ट है पल्लव वंश के संस्थापक, ये है सिंह विष्णु। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंती दुर्ग। अब इसको कैसे लर्न करना है, आप जैसे लास्ट वर्ड को ले लीजिए कूट को, और यहाँ से फर्स्ट ले लीजिए दंती। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है रात को कड़कड़ करते हैं दांत की, कूट हम बोलते हैं, कूट रहे हैं दांत को, कड़कड़ करते रहते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयाल्य, विजयाल्य। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में जो है बच्चे ग्रहण शिक्षा ग्रहण करने जाते थे,
तो उस टाइम जो है बच्चे जो हैं गुरुओं का बहुत ज़्यादा मान रखते थे, तो वो हमेशा भिक्षा मांग के जो भी लेके आते थे वो ही खाना खिलाया जाता था। फिर तो वो चोला डाल के जाते थे, एक आपने देखी होगी येलो कलर की गठरी सी लेके जाते थे, और हमेशा गुरुओं का आशीर्वाद लेके जाते थे। तो हमेशा गुरु बोलते थे विजय भव। तो आप वैसे भी लर्न कर सकते हैं, आपने किसी न किसी चीज़ को, मेन आपको होता है कि आपने कैसे इसको रिमेम्बर करना है, कि जब आप चोल आए तो चोल से एकदम आपके माइंड में क्या स्ट्रक कर रहा है। तो अगर आपने सुना होगा किसी को भी तो आपका एकदम ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चोल वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं विजयालय। नेक्स्ट है सेन वंश के संस्थापक है सामंत सेन, सामंत सेन। नेक्स्ट है शुंग वंश। अगर शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। तो इसको कैसे लर्न करना है आपने, एक तो पुष्य मतलब पुष्य से पुष्प मतलब फ्लावर, कई बार बोलते हैं ना फ्लावर को सूंघ ले, इसकी स्मेल कर ले, इसकी खुशबू ले ले कैसी है, तो वही पुष्य मित्र शुंग। सातवाहन वंश के संस्थापक ये हैं सीमुक। तो सातवाहन जैसे कि वाहन होती है गाड़ी, और सीमुक से आप बना सकते हो सुमो गाड़ी, सुमो। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, सातवाहन वंश के संस्थापक है सीमुक। सैयद वंश के संस्थापक हैं खिजर खान, सैयद वंश के संस्थापक हैं खिजर खान। नेक्स्ट है तुगलक वंश के संस्थापक, तो ये हैं ग्यासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश के संस्थापक ये हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हैं, ये हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। लोदी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोदी। तुलुब वंश के संस्थापक हैं वीर नरसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान वंश के संस्थापक हैं वासुदेव। चंदेल वंश के संस्थापक हैं नन्नुक। हुन वंश के संस्थापक हैं तोरमान। और मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आपने TGT कमीशन का प्रीवियस पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं। हमेशा आपसे क्वेश्चन या तो संस्थापक के ऊपर पूछा जाएगा, या फिर आपको पूछा जाएगा कि इस वंश के अंतिम राजा कौन थे। तो वो भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ताकि आपके माइंड में जो है एक छाप बन जाए, और जब आप खुद पढ़ें तो आपको फटाफट ये समझ आ जाए। तो फर्स्ट मैंने करवाया था चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो है, चालुक्य जो है मैंने बोला था तीन है, बातापी वेंगी कल्याणी। बातापी के चालुक्य की बात की जाए तो पुलकेशिन प्रथम, वेंगी विष्णुधरव, और कल्याणी तैलव द्वितीय। पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। आप बाल गोपाल के इससे भी ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्री गुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो मैंने जैसे बोला मोरा चांद, ये कैसे भी करके आप लर्न कर सकते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार, मतलब हर एक लड़के को बिंब मारने चाहिए जो आर्मी में भर्ती होना चाहता है। नंद वंश के संस्थापक है महापद्म नंद। पल्लव वंश के संस्थापक हैं सिंह विष्णु जी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं दंती दुर्ग, दांतों की कड़कड़ या कूटना। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय, जो चोला डाल के जाते थे विजय भव का, जिनको आशीर्वाद मिलता है, ऐसे करके लर्न कर सकते हैं। सेन वंश के संस्थापक सामन सेन। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुक। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान। तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सॉरी तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। गुलाम वंश के संस्थापक
कुतुबुद्दीन ऐबक, तुलु वंश के स्थापक वीर नरसिंह। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ ही इम्पॉर्टेंट, और आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे करके पूछे जाते हैं कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसी तरह ये काफ़ी क्वेश्चन बन गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम करेंगे एक यही पूरा राजवंश, जिससे रिलेटेड पहले मैं आपको समझाऊंगी और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे।